Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi Shivangi, welcome to eTimes TV. How are you? I'm very good. How are you? I'm good and it's good to see you back on small screen. Thank you. So Shivangi, mujhe bataiye, naya kirdar, बालिका वधू बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है और यू नो आप आई एम श्योर कि आप जब ग्रोइंग अप इयर्स में होंगे तब आपने ये शो देखा होगा. आप तब शायद इंडस्ट्री में भी नहीं होंगे जब ये शो पहली बार आया था तब. तो कितनी यादें शो के साथ जुड़ी हुई है. नाउ दैट यू आर गोइंग टू टेक दिस फ्रेंचाइज अहेड, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द शो? जी नहीं, फर्स्ट बालिका वधू मैंने नहीं देखा है. जब याद आता था तब मैं बहुत बहुत छोटी रही होंगी, तब मैं कार्टून देखती थी, सो मैं तब टीवी शोज नहीं देखती थी. लेकिन अब जाके मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, मैंने देखे हैं कुछ एपिसोड्स, बिट्स एंड पीसेस में देखा है मैंने ये शो. लेकिन हाँ, मतलब आई नो अबाउट द कैरेक्टर्स एंड आई नो अबाउट द शो क्या था और यू नो क्या स्टोरी लाइन थी और वो सब मुझे पता है. सो यादें एज सच मेरी है नहीं अभी कुछ, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारी यादें मैं अब जो कि शो का हिस्सा हूँ बनाऊंगी जरूर. और इस बार जो आप आनंदी प्ले करने वाली हैं उसके कैरेक्टर शेड्स क्या होंगे, किस तरह का किरदार होने वाला है? ये थोड़ी सी अलग है. अभी तक जिस रूप में आपने आनंदी को देखा है उससे थोड़ी अलग है. 17 साल की है, स्कूल जाती है और वेट कर रही है अपने रिजल्ट का, क्योंकि यू नो उसको कॉलेज जाना है, आगे पढ़ना है और ये सारी चीज़ें. बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, काफ़ी अपफ्रंट है, आज की लड़की है. इनफैक्ट उसका जो पहनावा भी है, जिस तरीके के वो कपड़े पहनती है, जैसे पहले आनंदी के कैरेक्टर में आपने देखा होगा कि वो लहंगा चोली और ऐसे घूंघट और वो सब होता था पल्लू सर पे, सो वो सब नहीं है. आज की लड़की है यू नो, और सिंपल है काफी, लेकिन अपना पॉइंट रखना जानती है, सही गलत में फर्क जानती है. सो काफी मैच्योर है उस तरह से और यू नो आगे उसकी स्टोरी, आगे जो उसकी जर्नी है बेसिकली वो आनंद और जिगर के साथ, वो यू नो उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है. कैसे वो अपने लिए आगे चल के स्टैंड लेती है, अपने फ्रीडम के लिए, अपनी खुशियों के लिए. सो काफी अच्छा मैसेज भी देता है ये कैरेक्टर, ये शो. सो यही सब आपको देखने को मिलेगा. एंड रणदीप के साथ आपने अभी प्रोमो शूट किया, हमने उसके पिक्चर्स देखे थे रिसेंटली. सो किस एक फ्रेश पेयरिंग है आपके, किस तरीके की अब तक बॉन्डिंग रही है उनके साथ शूट करते वक्त एंड किस तरीके का आगे रहने वाला आपको लगता है? अभी तो एक दिन ही हुआ है, आज हमारा सेकेंड डे है. सो फिलहाल तो अभी हमारी इतनी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ही इज अ गुड एक्टर और हमने प्रोमो शूट किया है जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोग देखेंगे. सो आई थिंक आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको ये नई पेयरिंग और बाकी हम तो होप कर रहे हैं सब कुछ अच्छा ही और सब अच्छा ही लगे सब. शिवांगी, आपको लोगों ने इतना प्यार दिया है एक कैरेक्टर में जो नायरा का कैरेक्टर था. यूजुअली जब एक एक्टर एक कैरेक्टर इतने टाइम तक प्ले करता है उसको उससे बाहर आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सोते जागते डेली सोप में तो स्पेशली फिल्म्स की तो हम बात अलग ही है क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए शूट होती है. लेकिन एक कैरेक्टर जो आप इतने सालों तक जीते हो वो आप कहीं ना कहीं यू स्टार्ट लिविंग इट इन रियल लाइफ ऑल्सो थोड़ा बहुत. उस कैरेक्टर से कितना बाहर आने के लिए कितना यू नो आपके लिए एक कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है? एंड सेकेंडली कि यूजुअली एक्टर्स एक ब्रेक लेते हैं ताकि ऑडियंस जो उनका पिछला कैरेक्टर है जिनको उन्होंने इतना प्यार दिया है जो बहुत रेयरली होता है टेलीविजन पे, उसको भूल जाए और फिर नए कैरेक्टर में एक्सेप्ट करें. तो फर्स्ट कि उससे बाहर आने के लिए कितना टाइम लगने वाला है एंड सेकेंडली कि यू नो कैरेक्टर के लिए आपने गैप क्यों नहीं लिया दोनों शोज के बीच में? मुझे मैं बाहर आना और भुलाना और भूल के आगे बढ़ने वाली बात ही नहीं है. ना मैं बाहर आना चाहती हूँ, ना मैं आऊंगी, ना मैं भुलाना चाहती हूँ उस किरदार को. वो किरदार मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है और हमेशा रहेगा. नायरा और कायरा की जो स्टोरी थी वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा क्लोज है. सो ना मैं उसे बुलाऊंगी,
मैं बुलाना ही नहीं चाहती, क्यों बुलाना है। और जहां तक इस नए किरदार की बात है, यू नो एज एन एक्टर आप ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, है ना। सो एक हम भी प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। नायरा से पहले भी मैंने कई किरदार निभाए, वो निभाने के बाद मैंने नायरा किया है, जो कि सभी लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है मेरे उस किरदार को। अब मैं एक नया किरदार कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको भी हमारी ऑडियंस, मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, वो बहुत प्यार देंगे हमेशा की तरह, इस कैरेक्टर को भी बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रोल, फ्रॉम द शो एज एन एक्टर? सो जहां तक मेरा जो कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है फिलहाल। आई एम नॉट, मेरी एक्सपेक्टेशंस अभी कुछ नहीं है इतने कुछ ऐसे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना है और मुझे अपने आप से इतना है कि मुझे अपना बेस्ट करना है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ दैट व्हाटएवर आई डू, यू नो आई वांट टू डू माय बेस्ट, आई डू माय बेस्ट, आई गिव माय 100%। सो एक नया प्रोजेक्ट है मेरे लिए जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यू नो इट्स अ कलर्स शो एंड कलर्स की फ्रेंचाइजी रही है बालिका वधू। आई थिंक इट्स अ बिग शो एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और बस आई जस्ट गिव माय बेस्ट, गिव माय 100%, बाकी तो देखा जाएगा जो होगा। और इस किरदार को जब आपको ऑफर हुआ होगा, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू, व्हाट वाज दैट क्लिकिंग पॉइंट कि आपको लगा कि ये शो करना है मुझे? जब मुझे स्टोरी नरेट की गई थी तो मुझे काफी, स्टोरी इज वेरी नाइस एंड इट ऑल्सो, लाइक आई सेड, इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी यू नो पॉजिटिव एंड नाइस मैसेज एंड काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, काफी चीजें हैं आनंदी की लाइफ में। आई थिंक ये कहानी जो है वो उसकी लाइफ और उसके इर्द गिर्द जो हो रहा है उस उस पे ही रिवॉल्व करती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छी है, काफी चीजें हैं जिसकी वजह से मैंने इस रोल के लिए हाँ बोला है। और बस अभी तो मैं फिलहाल ज्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी, आप लोग जब देखेंगे तो यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि यू नो क्या स्टोरी है और क्या स्टोरी लाइन है और कैसे उसकी जर्नी यू नो आगे बढ़ती है और जिस मैसेज की मैं बात कर रही हूँ वो यू नो सब तक पहुँचता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सो काफी चीजें, आई थिंक इट्स द स्टोरी लाइन, इट्स द कैरेक्टर एंड आई ऑल्सो हैड अ वेरी you know strong feeling, very positive feeling about it and mere matlab gut feeling thi ki you know this is a good decision and you know we should do it. As an actor, Shivangi, what are your aspirations? Kyunki aajkal hum dekh rahe hain ki you know kafi sare actors they want to foray into films, agar films nahi to OTT, agar hit show kar bhi liya ek do to they are moving away, they are shying away from TV and they're you know focusing on OTT. As an actor, आपके क्या aspirations है going forward? You want to continue doing TV shows और या फिर OTT या films भी आप explore करना चाहोगे? I want to do good projects. अब वो OTT हो, अब वो TV हो और movies हो, I just want to do good projects. और I think सब तीनों platforms की अलग audience है, TV की अलग audience है, OTT की अलग audience है, movies की audience अलग है, तो आई डोंट थिंक कोई प्लेटफॉर्म बड़ा है या छोटा है या यू नो एक नेक्स्ट लेवल है जो भी है, बट ठीक है, हाँ एक बात है कि लाइफ में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, धीरे धीरे करके ही लोग आगे बढ़ते हैं और आई थिंक वो ही सही भी होता है। सो फिलहाल आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दिस स्टोरी, ऑन गुड प्रोजेक्ट्स, अब वो टीवी हो, OTT हो या मूवीज हो, जो भी होगा जिसकी स्टोरी अच्छी होगी, कन्विंसिंग होगी, पॉजिटिव होगी और यू नो स्टोरी, एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। सो this is a very nice story and yeah, and that's why I said yes and I'm doing it. And kis tarike ke preparations rahe hain aapke is show ke liye? Jaise hame pata hai aapka pichla character bahut you know brilliant dancer tha and kahin na kahin wo inherit tha aapko kyunki aap trained dancer hain, to is character ke liye aapka kya preparation raha hai ab tak? अभी तो शुरुआत है, प्रिपरेशन अब शुरू होंगी, अभी हमने बस प्रोमो शूट किया है। सो प्रोमो शूट में आपको सिर्फ इक्वेशन दिखाई है कि यू नो उस कैसी इक्वेशन उसके आनंद के साथ है, आनंदी की, और कैसी जिगर के साथ है, तो सिर्फ उतना सा समझ में आएगा अभी। और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट होंगी, टुडे इज माय सेकंड डे, सो यू नो जैसे जैसे मुझे भी मेरे कैरेक्टर के बारे में और पता चलेगा तो मैं भी और कुछ कर पाऊंगी अपने आप में।
ऑल्सो एज एन एक्टर, जैसे आपने अभी कहा कि यू नो ओटीटी की ऑडियंस अलग है, फिल्म की अलग है, टेलीविजन की अलग है, ओटीटी से बहुत ज्यादा यूथ जुड़ा हुआ रहता है, एंड वी ऑल्सो नो कि ओटीटी कम्स विद डिफरेंट कॉन्टेंट स्टाइल, चाहे वो यू नो लैंग्वेज की बात हो, गालियों का इस्तेमाल हो या बोल्ड सीन्स का इस्तेमाल हो. आप अपने करियर के इस बहुत बेहतरीन पड़ाव में अभी, क्योंकि आप इतना सक्सेसफुल शो करके आई हैं, हर यू नो हर कोई जानता है आपको आपके किरदार के नाम से भी और अपने खुद के नाम से भी. क्या आप अगर ओटीटी करेंगी तो आपके कुछ रिजर्वेशंस रहेंगे शिवांगी एज एन एक्टर, एज अ यू नो एज अ पर्सन? जी हाँ, फिलहाल मैंने उस बारे में इतना सोचा नहीं है बिकॉज मैं वो कर नहीं रही हूँ, बट जब करूँगी सो मेरे कंफर्ट लेवल के बाहर मैं कितना जा सकती हूँ कितना नहीं जा सकती ऑब्वियसली वो चीज़ें रहेंगी. कुछ रिजर्वेशंस हो भी सकते हैं, जी हाँ, बट आई एम एक्चुअली नॉट थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ. सो या फिलहाल यही है, फिलहाल आई एम डूइंग बालिका वधु, सो मैं आनंदी और उसके बारे में ही ज्यादा सोच रही हूँ. बिफोर रैपिंग अप, एनी मैसेज टू फैंस, ऑल द शिवांगी लवर्स? टू ऑल द शिवांगी लवर्स एंड शिवांगियंस, मैंने इंस्टा पे देखा है ये हैशटैग्स और ये काफी पेजेस हैं ऐसे. टू ऑल माई वेल विशर्स, आई वुड लाइक टू thank them first of all for always you know supporting me and loving me so much. Please apna pyar aur support isi tarah banaye rakhein. I really need your support and I know you guys are my army, so I really love you guys. Keep supporting, keep loving me and thank you so much. Thank you so much Shivangi, all the best for the show aur ummeed karte hain ki ye bhi show bahut lamba chalega aur bahut successful hoga. Bilkul, thank you, thank you so much, take care. Thank you.